जय श्री कृष्णा। गीता धाम ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। अध्याय तीन हमारी बदलती पृथ्वी भूकंप देखिए, हमने ज्वालामुखी और भूकंप के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, परंतु हम स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगा सकते हैं। जानवरों के व्यवहार के द्वारा, मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। फिर आता है भूकंप, भुज में भूकंप के झटके और 26 जनवरी 2001 के झटके 26 जनवरी 2001 के झटके भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 26 जनवरी 2001 को गुजरात में भुज जगह पर आया। रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप था। स्कूल सर्वाधिक प्रभावित हुए। स्कूलों को इमारतों गिरने से कम 971 छात्रों और 31 शिक्षकों की मौत की आशंका है और भुज की तबाही और शहर में आग। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा सरकार के द्वारा की गई। मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील, भुज की तबाही। गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी और भूकंप का मानव एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप का मापन जिसको हम कहते हैं भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जा सकती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2 जीरो से अथवा उससे कम होती है तो उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5 जीरो से होती है वो वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है तो बहुत शक्तिशाली और जिसकी तीव्रता 7 जीरो अथवा अधिक होती है वो सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। और भूकंप के बचाव की तैयारी, भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें, सुरक्षित स्थान रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में, इससे दूर रहे, आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास, टूट सकने वाली खिड़कियां, घर पर तस्वीर फ्रेम से पहले से तैयार है। अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें।
देखिए कुछ इस्तेमाल कर दिया है जिसके अंतर्गत अपसय एवं अपरदन नामक दो प्रकरणों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विकृतित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर सेलों के टूटने से अपसय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल पवन हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले से को अपरदन कहते हैं। भूदृश्य जैसे अपरदन अपरदन भूदृश्य 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 पर जल पवन एवं हिम जैसी हिम जैसी हिम जैसे विभिन्न भूदृश्य पर जल पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले घटकों के द्वारा होने वाले से को अपरदन कहते हैं। भूदृश्य पर चल पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले से को अपरदन कहते हैं। और वायु जल और अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपरदन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। नदी के कार्य नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। जब नदी किसी बड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सेल या खड़े ढाल वाली चट्टानों में घाटी में गिरती है तो ये जल प्रपात बनाती है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्ग कहते हैं। इसके बाद विसर्गों के किनारों पर लगातार अपरदन निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्ग लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्ग लूप नदी से कट जाते हैं, एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील भी कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी पदार्थों का अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र पर पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है। नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं, जिससे सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिणी अमेरिका में सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिणी अमेरिका
दक्षिण अमेरिका के बेले दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला का केबल केबल एजल वेनेजुएला के एजल जल सबसे ऊंचा जल प्रवाह दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला के एजल जल प्रवाह है। आज इस पाठ में हमारी बदलती पृथ्वी के अंतर्गत अपवर्धन भूकंप और नदी के कार्य के बारे में हमने आज बताया। आज इस पाठ में आज यात्रा ही करवाया जाएगा। जय श्री कृष्ण।